Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. I am Mukesh Sony. Today we are doing our chapter number 9, Birds and Their Nest. Pakshi aur unke ghonsle. Like us, birds also need their home. Ki jis tarike se hum apne apne gharon mein rehte hain, pakshi ko bhi rehne ke liye apne apne ghar chahiye aur unke gharon ko kya keh ke bulaya jata hai? Nest. All the living beings need shelter to live in. कि जितने भी living beings होते हैं उन सबको shelter की ज़रूरत होती है, means रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है. The home of a bird is called a nest. और पक्षी के घर को क्या कहते हैं? Nest, घोंसला कहते हैं. Almost all the birds make their nest. लगभग सभी जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, वो अपना घोंसला बनाते हैं. Birds usually build their nest to lay egg and take care of their young ones. पक्षी ज़्यादातर किस लिए अपना घोंसला बनाते हैं? अपने अंडे देने के लिए और अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए. अ बर्ड मेक इट नेस्ट इन अ प्लेस दैट इज सेफ फ्रॉम इनेमीज एंड बैड वेदर. पक्षी अपना जब घोंसला बनाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो उनका जो घोंसला होता है वो उनको इनेमीज से भी बचा के रखे और बैड वेदर से भी उनको सुरक्षित रखे. We can see bird nest on the trees. हम पक्षी के घोंसलों को देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे? ट्रीज, पेड़ों पे, टेरेस एंड विंडो सील्स ऑफ द बिल्डिंग. की बिल्डिंग में जो टेरेस होते हैं वहाँ पे और जो खिड़कियाँ होती है वहाँ पे उनके घरों को, उनके घोंसलों को हम देख सकते हैं. नेस्ट ऑफ द बर्ड, पक्षियों के घोंसले. बर्ड्स यूज मटेरियल लाइक ग्रास, ट्विग्स, फीदर्स, पेपर एंड लीव्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए किन किन मटेरियल का यूज करते हैं? ग्रास, ट्विग्स होती है, टहनी, फीदर्स होते हैं, पंख, पेपर और पत्तियाँ. इनके द्वारा क्या करते हैं? वो अपने घोंसले को बनाते हैं. डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट. अलग अलग तरीके के पक्षी अलग अलग तरीके के घोंसले बनाते हैं. फर्स्ट वन इज टेलर बर्ड. जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, टेलर. टेलर क्या करता है? कपड़ों को सीता है. अ टेलर बर्ड यूज इट्स बीक लाइक अ नीडल. टेलर बर्ड क्या करता है? अपनी जो चोंच होती है उसको सुई की तरह इस्तेमाल करता है. टू सीव लीव्स, क्या करने के लिए? पत्तियों को सीने के लिए, मीन्स उनकी सिलाई लगाने के लिए. टुगेदर टू बिल्ड अ नेस्ट, उन पत्तियों को आपस में सीलने के लिए अपनी चोंच का यूज करता है. क्या बनाने के लिए? अपना घोंसला बनाने के लिए. द बर्ड मेक टाइनी होल इन टू लीव्स. ये पक्षी क्या करता है? दो पत्तियों के बीच में छोटे छोटे होल बना देता है, छेद बना देता है. एंड ड्रा थ्रेड्स ऑफ फाइबर थ्रू देम टू स्टिच द लीव्स टूगेदर. और फिर क्या करता है? उन पत्तियों के अंदर से घास के तिनके लगाता है, फाइबर लगाता है, धागे जैसा, और उनको क्या कर देता है? वो सील देता है. इट्स यूजेज मटेरियल सच एज थ्रेड. ये किसका यूज करता है? थ्रेड, धागे का, ड्राई ग्रास, सूखी घास का, एंड वूल टू सीव द लीव्स, और ऊन का. किसके लिए? अपनी पत्तियों को, जो घोंसला बनाते हैं उन पत्तियों को सीने के लिए, उनको सिलाई लगाने के लिए. नेक्स्ट वन इज वीवर बर्ड. वीवर होता है बुनकर पक्षी. टेलर बर्ड तो क्या करता है? सिलता है. वीवर क्या करता है? जिस तरीके से बुनकर कपड़े की सिलाई करने के लिए एक एक रेशे को अंदर समेट समेट के इस तरीके से डिजाइन बनाता है, उसी तरीके से वीवर बर्ड भी क्या करता है? छोटे छोटे घास के तिनके लेता है और उनको इस तरीके से आपस में सिलता है, बहुत सुंदर घोंसला बनाता है ये. अ वीवर बर्ड मेक इट नेस्ट बाय नोटिंग, ट्विनिंग एंड वीविंग द स्ट्रैंड ऑफ ग्रास. वीवर बर्ड क्या करता है? अपने घोंसले को बनाने के लिए उसकी बुनाई करता है, नोट लगाता है वो उनको. द नेस्ट ऑफ अ वीवर बर्ड लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल बास्केट. वीवर बर्ड के अगर घोंसले को आप लोग देखोगे तो इस तरीके से लगता है कि कोई जो बास्केट, टोकरी होती है, हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, की पेड़ के नीचे से एक टोकरी है जो नीचे लटक रही है. द नेस्ट हैज एन ओपनिंग थ्रू विच द बर्ड एंटर. और इस घोंसले में जो ये नीचे की तरफ क्या होता है? एंटर होता है, जहाँ से जो पक्षी होते हैं वो अंदर की तरफ जा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वुड पीकर. वुड पीकर होता है कट फोड़ा. अ वुड पीकर यूजेज इट्स बीक टू पैक इन टू अ ट्री ट्रंक एंड मेक अ होल. वुड पीकर क्या होता है? इसकी जो चोंच होती है ना वो बहुत मजबूत होती है, बहुत हार्ड होती है. तो ये क्या करता है? जैसे पेड़ का तना होता है ना, जिस तरीके से यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से चोंच से अपना घोंसला इसके अंदर से ये बना सकता है, इसको फोड़ सकता है. इसीलिए इसको वुड पीकर बोलते हैं, मीन्स कट फोड़ा, की जो लकड़ी को फोड़ देता है. दिस बर्ड यूजेज दिस होल एज इट नेस्ट. और इस होल को किसके रूप में यूज करता है? अपने घोंसले के रूप में. नेक्स्ट वन इज आउल. एंड आउल डज नॉट यूजली बिल्ड इट नेस्ट.
उल्लू अपना घोंसला कभी खुद से नहीं बनाता। इट यूजिज द वैकेंट नेस्ट इन ट्रीज एंड ऑन क्लिफ्स। ये क्या करता है, जो खाली पड़े घोंसले होते हैं उनको ये यूज करता है। दीज नेस्ट आर मोस्टली बिल्ड बाय अदर बर्ड्स। और ये घोंसले किसके द्वारा बनाए होते हैं, जो दूसरे पक्षी होते हैं उनके द्वारा बनाए हुए ये होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पैरो। अ स्पैरो बिल्ड इट नेस्ट विद स्टिक्स फीदर्स एंड ग्रास। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है किससे, स्टिक्स, जो लकड़ियाँ होती है, पंख होते हैं, ग्रास होते हैं, इनके थ्रू, जो घास के इनके से होते हैं उनके थ्रू वो क्या करती है, अपने घोंसले को बनाती है। इट बिल्ड अ कप शेप नेट। इसका घोंसला कैसे होता है, जैसे कप की शेप होती है इस तरीके से। सच अ नेस्ट प्रोटेक्ट द एग एंड कीप द बेबी बर्ड सेफ फ्रॉम फॉलिंग डाउन। इससे क्या होता है कि जो इनके अंडे होते हैं वो भी प्रोटेक्ट रहते हैं इस घोंसले के अंदर, और जो इनके बच्चे होते हैं वो भी नीचे गिरने से बचे रहते हैं। बुलबुल एंड हमिंग बर्ड मेक सच नेस्ट। बुलबुल और हमिंग बर्ड इस तरीके के घोंसले बनाती है। नेक्स्ट वन इज ईगल। ईगल बाज। एन ईगल बिल्ड इट नेस्ट ऑन हाई ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्रीज विद स्टिक्स एंड ट्विग। बाज क्या करता है, अपना घोंसला जो सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के ऊपर बनाते हैं, जिसके अंदर ये ट्विग्स का और स्टिक्स लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। द नेस्ट इज सपोर्टेड बाय लार्ज फोर्क ब्रांचिज। और इनके जो घोंसले होते हैं ना, जो ब्रांच होती है, शाखाएं होती है, फोर्क, कांटे जैसी, कि दोनों तरफ से आइड साइड से लकड़ियां निकली होती हैं, उनके बीच में ये अपने घोंसले को बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज पेंगुइन। अ पेंगुइन लिव्स इन वेरी कोल्ड रीजन। पेंगुइन कहाँ रहते हैं, हमेशा ठंडे क्षेत्र के अंदर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ग्रास ट्विग एंड स्ट्रा देयर। तो वहाँ ठंडे मौसम के कारण ना तो इनको घास मिलता है, ना टहनियाँ मिलती है, ना स्ट्रा, कुछ भी नहीं मिल पाता है। सो इट्स बिल्ड इट नेस्ट ऑन द ग्राउंड यूजिंग स्टोन्स एंड पीबल। इसीलिए ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, जमीन पर बनाते हैं, किसके द्वारा, पत्थरों के द्वारा। कुकू कोयल। अ कुकू इज अ क्लेवर बट लेजी बर्ड। कुकू बहुत चतुर होती है बट बहुत आलसी होती है। इट डज नॉट बट बिल्ड अ नेस्ट। ये अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है। इट लेज इट एग्स इन अ क्रोज नेस्ट। ये अपने घोंसले को बनाती नहीं है खुद से, लेकिन अपने अंडों को कहाँ देती है, ये जो कौवा होता है उसके नेस्ट में अपने अंडों को देती है ये। द क्रो कंसिडर्ड द एग्स इट्स ओन। और कौवे को लगता है कि ये अंडे उसके खुद के हैं। इट लुक्स आफ्टर देम टिल द बेबी कुकू कम्स आउट ऑफ द एग एंड ग्रो। और ये तब तक उनकी देखभाल करता है जब तक कि बेबी कोयल उन अंडों से बाहर नहीं निकल जाते और वो बड़े नहीं हो जाते। वाटर बर्ड। पानी के पक्षी। वाटर बर्ड लाइक ग्रेप्स एंड लून्स सम टाइम बिल्ड नेस्ट ऑन और नियर द वाटर। ग्रेप्स और लून ये ऐसे पक्षी हैं जो अपने घोंसले को कहाँ बनाते हैं, या तो पानी के ऊपर बनाते हैं या पानी के पास बनाते हैं। दीज नेस्ट आर फ्लोटिंग राफ्ट। ये तैरते हुए राफ्ट जैसे लगते हैं, मेड ऑफ वाटर प्लांट, जो किसके ऊपर बनाए जाते हैं, जो पानी में तैरते हुए पौधे होते हैं उनके ऊपर। एंड आर फास्टेंड टू द प्लांट्स ग्रोइंग इन लेक एंड पॉन्ड्स। कि उन पौधों के ऊपर ये अपने घोंसले बनाते हैं जो पानी के अंदर तेजी से बढ़ते हैं और वो तैरते रहते हैं। सम स्टॉक्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ग्रास नियर द वॉटर। स्टॉक्स होते हैं सारस। सारस अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं, पानी के पास, घास के अंदर अपने घोंसले बनाते हैं। वाइट स्टॉक बिल्ड ह्यूज नेस्ट ऑन टॉप ऑफ हाउसेज, चिमनीज, टेलीफोन पोल्स एंड ट्रीज। और जो सफ़ेद सारस होता है वो अपना घोंसला कहाँ पे बनाता है, वो अपना बड़ा सा घोंसला बनाता है, या तो घर की ऊपर की छत के ऊपर बनाता है, चिमनी पे बनाता है, या टेलीफोन के जो ऊंचे ऊंचे पोल होते हैं वहाँ पर ही अपने घोंसले बनाते हैं। केयर ऑफ यंग वंस। छोटे बच्चों की जो देखभाल होती है। वंस द नेस्ट इज रेडी। जब एक बार घोंसला तैयार हो जाता है, द मदर बर्ड लेज इट्स एग इन इट। जो मदर बर्ड होती है इनके अंदर अपने अंडे देती है। द मदर बर्ड ओन और बोथ द पेरेंट्स बर्ड वॉर्म द एग्स बाय सीटिंग ऑन देम। या तो माता उन अंडों के ऊपर बैठती है, या माता और या पिता दोनों ही उन अंडों के ऊपर बैठ के क्या करते हैं, उन अंडों को वार्म करते हैं, गर्मी देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनक्यूबेशंस। इसको, ये जो प्रोसेस होता है इसको इनक्यूबेशंस बोला जाता है। आफ्टर अ फ्यू वीक, कुछ सप्ताह के बाद, द एग्स हैच, अंडे फूट जाते हैं, एंड यंग वंस कम आउट, और छोटे बच्चे उनमें से बाहर निकलते हैं। द न्यू बॉर्न बर्ड्स हैव नो फीदर। जो पैदा होते पक्षी होते हैं उनके पंख नहीं होते। एंड देयर आईज आर क्लोज्ड, और उनकी आंखें भी बंद होती हैं। द पेरेंट्स बर्ड फीड एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं और उनको
खाना खिलाते हैं। फीडर्स ऑफ द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो ऑन देयर बॉडीज, और फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, उनकी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे पंख आना स्टार्ट हो जाते हैं। द पेरेंट्स बर्ड टीच देम हाउ टू फ्लाई, अब माता पिता मिलकर अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उड़ा कैसे जाता है, एंड फाइंड फूड फॉर देमसेल्व्स, और अपने आप से खाना कैसे ढूंढा जाता है। लेटर इसके बाद द होल फैमिली लीव द नेस्ट, इसके बाद पूरा परिवार उस घोंसले को छोड़ देता है। बर्ड्स बिल्ड अ न्यू नेस्ट एवरी टाइम दे ले एग्स, कि पक्षी हर बार अपना नया घोंसला बनाते हैं, किस लिए, जब उनको अंडे देने होते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। टेक द करेक्ट आंसर। अ वुड पीकर बिल्ड इज नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक। पेंगुइन मेक देयर नेस्ट यूजिंग ट्विग्स, नो पीबल्स, पत्थर को यूज करते हैं वो, सॉरी ये रॉन्ग है। हु बिल्ड्स कप शेप नेस्ट, स्पैरो। अ कुकू ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो। द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग द एग्स बाय बर्ड, ये कहलाता है इनक्यूबेशन। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स। पेंगुइन बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। अ कुकू इज क्लेवर बट लेजी बर्ड। द नेस्ट ऑफ अ वीवर बर्ड लुक लाइक अ बास्केट। अ टेलर बर्ड यूजेज इज बीक लाइक अ नीडल। एंड फिफ्थ वन इज ईगल। सी, बर्ड्स ले एग इन देयर नेस्ट, ट्रू। वुड पिकर बिल्ड देयर नेस्ट विद स्टिक एंड ग्रास, फॉल्स। ईगल बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, फॉल्स। वेन अ बेबी बर्ड कम आउट ऑफ द एग इट फ्लाइज इन द स्काई, फॉल्स। अ कुकू डज नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट, राइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड इट नेस्ट, पक्षी अपने घोंसले क्यों बनाते हैं। अ बर्ड बिल्ड्स इट नेस्ट टू ले एग्स एंड टेक केयर ऑफ इट्स यंग बर्ड्स। वट मटेरियल डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स यूज मटेरियल लाइक ग्रास, ट्विग्स, लीव्स, थ्रेड एंड पेपर्स। हाउ डज अ टेलर बर्ड बिल्ड इट नेस्ट, टेलर बर्ड अपना घोंसला कैसे बनाता है। अ टेलर बर्ड यूजेज इट्स बीक लाइक अ नीडल टू सीव लीव्स टुगेदर टू बिल्ड अ नेस्ट। इसके बाद आपकी ई एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है कि कौन सा पक्षी किस घोंसले में रहता है, जैसे स्पैरो है उसका ये है, ये आपका टेलर बर्ड है, ये आपकी पेंगुइन है, ये आपका वुड पिकर है और ये आपका ईगल है। ये है आपका चैप्टर।